नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो सी टेट जुलाई एग्जाम 2021 को लेकर दोस्तों फाइनली आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन को लेकर कुछ देर पहले ही आप सबके लिए अपडेट आई है। दोस्तों कल आपका नोटिफिकेशन कितने बजे आएगा, ऑनलाइन फॉरम और एग्जाम डेट के बारे में भी इस वीडियो में बात करूंगा, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखना दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सबके लिए। अगर आप सी टेट के चाहते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको सी टेट की बिल्कुल सटीक एवं सही जानकारी दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको डेली अपडेट है वो मिलती है। तो लाखों स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं सी टेट के नोटिफिकेशन का। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सी टेट की नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से थोड़ी देर पहले ही आप सबके लिए जो अपडेट है वो निकल के आ रही है नोटिफिकेशन को लेकर। तो जैसा कि देख सकते हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन फॉरम है दोस्तों, उसके अनुसार दोस्तों आपका जो है आवेदन की प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों आपका 30 अगस्त तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 30 अगस्त तक आपका जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ऑफिशियली जो वेबसाइट है दोस्तों, उस पर आपका नोटिफिकेशन आएगा CTET NIC.in। इस बार जो आपकी एग्जाम होने वाली दोस्तों, वो ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है और नोटिफिकेशन दोस्तों आपका 30 अगस्त यानी कि कल आएगा। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं कि टाइमिंग क्या रहने वाली नोटिफिकेशन की, तो इसको लेकर कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है दोस्तों। जो है अधिकतर देखा गया है कि सीटेट को लेकर जो भी अपडेट आती है वो रात्रि या दोस्तों नाइट को आपके जो है ऑफिशियली वेबसाइट को अपडेट किया जाता है, उस पर आपका नोटिस है या नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उसमें आपके पूरे जो डाउट हैं कि सिलेबस क्या क्या बदला गया है, नोटिफिकेशन में जो क्या क्या बदलाव किए गए हैं दोस्तों, और पेपर 3 पेपर होंगे या फिर नहीं होंगे, परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है और कब आपकी एग्जाम होगी, उसमें पूरी जानकारी आज आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो आपका नोटिफिकेशन का इंतजार रहेगा दोस्तों। सिलेबस में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो बदलाव किया गया है दोस्तों वो है आपका क्वेश्चन पूछने के तरीके पर यानी कि परीक्षा पैटर्न पर। इसमें आपके जो क्वेश्चन पहले जो पूछे जाते थे उसके अपोजिट अब क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा दोस्तों। ऑनलाइन एग्जाम होगी आप सबको पता होगा, और एग्जाम दोस्तों आपकी जो है दिसंबर के महीने में आयोजित होने की अपडेट है। नवंबर में आपके एडमिट कार्ड आएंगे, अक्टूबर तक दोस्तों आपके फॉरम में चलने वाले हैं। हालांकि आपको 5 से 10 दिन के लिए करेक्शन विंडो भी ओपन की जाएगी, यानी कि अगर आपसे फॉरम भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उसको भी सुधार आप सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा सीटेट को लेकर, और जल्द ही दोस्तों इसकी जो है आपकी नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट आ जाएगी। हो सकता है दोस्तों आज शाम तक भी नोटिफिकेशन आ जाए, तो इंतजार करेंगे दोस्तों आज का। उसके बाद दोस्तों मैं आपको अपडेट करूंगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और एक बार ऑफिशियली वेबसाइट पर भी आप विजिट करते रहें दोस्तों। और फॉरम की बात करूँ दोस्तों, तो फॉरम आपके जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो सितम्बर से आपके फॉरम लगभग 15 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों इस बार आपके 3 पेपर आयोजित होंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 3 पेपर आयोजित होंगे, 9 से 12 तक के लिए भी सीटेट आयोजित करवाया जाएगा। केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, यानी कि जो परीक्षा सेंटर हैं दोस्तों वो आपके बढ़ जाएंगे। 150 से ज़्यादा शहरों में एग्जाम होगी दोस्तों, और आगे जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।